गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड। सब्जेक्ट है बच्चों हिंदी। पाठ है आपका 13, चंदा मामा। तो बच्चों, इसके भाषा ज्ञान और इसके रिक्त स्थान के सारे क्वेश्चन आंसर बुक में करवा दिए थे। आज ये आपके क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 करवाने जा रही हूँ। तो आपको हिंदी की नोटबुक में होमवर्क में करना है। पेज नंबर 72 पर है पाठ 13, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सपना और स्नेहिल गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गए। ठीक है, सपना और स्नेहिल गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गए। तो देखिए आंसर, सपना और स्नेहिल गर्मी की छुट्टियां नानी के घर भगतपुर गए। कहाँ गए बच्चे? नानी के घर भगतपुर गए। ठीक है, इस पे बच्चों चंद्रबिंदु लगा लीजिए। छुट्टियां, सपना ने नानी से किसकी कहानी सुनाने को कहा। तो देखिए, सपना ने नानी से चंदा मामा की कहानी सुनाने के लिए कहा। सपना ने नानी से चंदा मामा की कहानी सुनाने के लिए कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चंद्रमा धरती से देखने पर इतना छोटा क्यों दिखता है। तो उत्तर देखिए, क्योंकि वह हमसे बहुत दूर होने के कारण चंद्रमा छोटा दिखता है। क्योंकि चंद्रमा हमसे बहुत दूर होता है और जब दूर से कोई चीज़ देखते हैं तो वो छोटी दिखाई देती है। नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा पर जीवन क्यों नहीं है। चंद्रमा पर जीवन क्यों नहीं है? तो आंसर देखिए, क्योंकि चांद पर हवा और पानी नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर जीवन नहीं है। ठीक है, क्योंकि चांद पर हवा और पानी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो बच्चों, आपने रीडिंग की होगी पाठ 13 की। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। ठीक है, कौन था पहला व्यक्ति? नील आर्मस्ट्रांग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांद की सतह कैसी है। जो चांद है वहाँ की सतह कैसी है? चांद की सतह पर बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें एवं बड़े बड़े गड्ढे हैं। चांद की सतह कैसी है? वहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो गए। प्रश्नोत्तर प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया है और पार्ट 13 आपका कंप्लीट हो गया है, चंदा मामा। तो आपको सभी को हिंदी की नोटबुक में ये चैप्टर, ये क्वेश्चन आंसर, प्रश्नोत्तर आपको हिंदी की नोटबुक में करना है और व्हाट्सएप पे सेंड करें होमवर्क को। ओके बच्चों।